Hello students, my name is Mahak. Today I am going to discuss the topic hospital and its organization, right? So ye topic this related to the pharmacy students, right? So and also for the nursing students who are pursuing the BSc nursing, right? So if you really like my videos, please don't forget to subscribe my channel, right? So first I will discuss about the what is a hospital, right? So first you know about the what is hospital. As we all know that hospital hota kya hai, obviously hum ye kehte the ki hum agar theek nahi hai to hume hospital jana hai, right? Agar hume common cold, cough aur hume fever bhi ho jata hai to hum kehte hai ki hume hospital jana hai. To hospital hota kya hai? Obviously हॉस्पिटल क्या होते हैं, जहाँ पर हम जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर डॉक्टर्स हमें देखते हैं, हमें हमारी डिसीज़ को देखते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, फिर उसे सब समझकर हमें मेडिसिन लिख के देते हैं, ठीक है, ताकि वो जो हमारी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, ठीक है. सो हॉस्पिटल होता क्या है, एंड सो दिस अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द हॉस्पिटल. सो एन इंस्टीट्यूशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, राइट, इज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ द कम्युनिटी, मीन्स यहाँ पर सारे लोग आते हैं. और अ स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन डैट मेक यूज ऑफ फिजिशियन, सर्जन एंड टीम ऑफ द टेक्निकल स्टाफ, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, फिजिशियंस होते हैं जो एक्सरसाइज में हेल्प करते हैं, सर्जन होते हैं, ठीक है, जो हमारी सर्जरी करते हैं, टीम ऑफ द टेक्निकल स्टाफ, राइट, जो ट्यूबलाइट्स वगैरह ठीक करने के लिए रखे होते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ फॉर द डायग्नोसिस, जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, हमारी डायग्नोसिस, हमें जो भी प्रॉब्लम होती है उसे ठीक करते हैं. अगर वो थेरेपी से ठीक होने वाली होती है तो हमें थेरेपी देते हैं. रिहैबिलिटेशन मीन्स कि अगर कोई चीज़ रीअकरेंस, मीन्स कि अगर कोई चीज़ दोबारा आ रही है उसको ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं, हमें एजुकेशन देते हैं उस चीज़ के बारे में कि आपने ये प्रिकॉशन लेनी है, एंड रिसर्च, जहाँ इसमें रिसर्चर होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे थे. सो दिस इज हॉस्पिटल. व्हाट अ हॉस्पिटल मीन्स कि ये सब चीज़ें हॉस्पिटल में होती हैं, राइट. देन फंक्शंस, फंक्शंस क्या होते हैं हॉस्पिटल के, हमें पता है. फर्स्ट फंक्शन इज टू अपलिफ्ट द क्वालिटी ऑफ लॉ एंड जनरल स्टैंडर्ड्स, मीन्स कि जो हॉस्पिटल की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है, उसमें जितने भी मेडिकल प्रैक्टिस में उसमें जितने भी काम करते हैं लोग उसका स्टैंडर्ड हाई करना, राइट. सेकंड, टू प्रोवाइड द फैसिलिटी एंड गाइडेंस, फैसिलिटी प्रोवाइड कर उनको गाइड करना, बाय विच पर्सन कैन वर्क इन ग्रुप, वी ग्रुप में कैसे काम किया जाता है, और विद द इंटेंशन ऑफ बेटरमेंट ऑफ द हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, पेशेंट एंड कम्युनिटी, भी हम कैसे अपने हॉस्पिटल को और अच्छा बना सकते हैं, पेशेंट की हम कैसे और ज़्यादा केयर कर सकते हैं, राइट. देन थर्ड इज टू रिड्यूस द डिसीज अकरेंस, मीन्स कि जो लोगों को आजकल हम जानते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, तो उस डिसीजेस को कम कैसे करना है, हम जल्दी कैसे ट्रीट करना है बेसिकली, ठीक है. देन फोर्थ इज़ टू एस्टिमेट द नीड्स फॉर फैसिलिटीज, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देना, ठीक है, सप्लाईज एंड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना, एंड देयर यूटिलाइजेशन फॉर इवेल्युएशन, कंट्रोल एंड मेंटेनेंस. उसकी जो भी कोई न्यू चीज़ आती है उसको इवेल्युएशन, मतलब कि वेदर की जो हमने प्रोडक्ट मंगाया वो ठीक है या नहीं, ठीक है, उसकी सप्लाई को सारा मेंटेन करके रखना, उसे हर एक प्रॉपर जगह पर रखना, राइट. देन फिफ्थ इज टू एस्टिमेट द डिपार्टमेंटल नेसेसिटीज़, मीन्स कि जो भी डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें प्रॉपर संभालना. नेक्स्ट सिक्स, टू प्रोवाइड अ कॉमन लिंक बिटवीन द जनरल पब्लिक एंड द पॉलिसी मेकर्स, मीन्स कि हम बता सकें कि हमारी हॉस्पिटल्स की क्या क्या पॉलिसीज हैं, जहाँ ताकि जो हमारे हॉस्पिटल में लोग आ रहे हैं वो ईजिली समझ पाएँ उसे. देन सेवन्थ, टू सजेस्ट द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू मेंटेन द एडिक्वेट एंड कॉम्पिटेंट स्टाफ, मीन्स कि हमें पॉलिसीज और प्रोसीजर्स समझाना, ताकि हम अपने स्टाफ उस तरीके से हम अपने स्टाफ को मेंटेन कर पाए कि कौन कौन स्टाफ ये पॉलिसीज और ये प्रोसीजर्स अच्छे से पेशेंट को समझा सकता है. देन एट्थ, टू डेवलप एंड मेंटेन एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ द क्लिनिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, मीन्स कि जो जो पेशेंट आ रहा है कि किसने कौन सी मेडिसिन ली, क्या लिया, उसका प्रॉपर एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना. देन नाइन्थ, टू हेयरनेस ग्रोथ ऑफ मेडिकल साइंसेज, मीन्स कि डॉक्टर को प्रॉपर ट्रेनिंग देना, नर्सिस को प्रॉपर ट्रेनिंग देना, राइट. टेंथ, टू क्रिएट एंड डेवलप
फाइनेंशियल प्लान फॉर द ऑपरेशन ऑफ द हॉस्पिटल्स मीन्स कि अगर कोई पर्सन को ऑपरेशन कराना है, किसी भी चीज़ की सर्जरी करानी है, उसकी फाइनेंशियल प्लान डिस्कस करना, कितना अमाउंट लगेगा, कौन कौन से इक्विपमेंट्स, मेडिसिन, कौन कौन सब चीज़ें मेंटेन करना। 11th टू पार्टिसिपेट एंड इम्प्लीमेंट सेफ्टी प्रोग्राम्स ऑफ द हॉस्पिटल्स मीन्स कि सारे हॉस्पिटल्स के सेफ्टी प्रोग्राम्स बताने की राइट, दिस इज सेफ फॉर द पेशेंट। देन 12th टू इनिशिएट, यूटिलाइज एंड पार्टिसिपेट इन द रिसर्च प्रोजेक्ट्स aimed at improvement of the patient care and the other hospital services, right? Like कुछ students को projects दिए जाते हैं कि आप ये project लो, आप इस patient की case study करो ताकि उसमें क्या और हम improve कर सकते हैं, right? So these are the functions of the hospital. So अब आपको पता चल गया होगा कि hospital क्या होता है और hospital के functions क्या होते हैं, right? तो अब मैं आपको बताऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल्स, राइट। सो इसे मैंने एक चार्ट भी बनाया हुआ है जो आप इजीली समझ सकते हो, राइट। हम हॉस्पिटल की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एक चार्ट बनाया है, सो इससे आपको ईजी होगा समझना। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द क्लिनिकल ग्राउंड्स, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ नॉन क्लिनिकल ग्राउंड्स, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड फिफ्थ ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी ऑन द बेसिस ऑफ द क्लिनिकल ग्राउंड्स, ठीक है। क्लिनिकल ग्राउंड्स के बेस पर हॉस्पिटल को हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मेडिसिन, थर्ड ऑन द बेस सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ द सर्जरी, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मैटरनिटी। ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिन वी हैव सो मेनी हॉस्पिटल्स लाइक पेडियाट्रिक्स फॉर चिल्ड्रन, साइकेट्रिक एंड अदर नर्वस डिजीज, लाइक वी हैव द लाइक डिप्रेशन और अदर प्रॉब्लम्स लाइक, और जनरल मेडिसिन वी हैव फॉर द फीवर etc. Then on the base, second on the basis of the surgery, like surgery we have the orthopedics hospitals for the like joints, we have the gynecology on the gynecology for the women's, right, ENT hospital like ear, nose and throat, right. Third is a maternity, obviously maternity for short term or long term, right, for the pregnant woman. It is divided into short term and long term. Short means for short duration of time, long like for long period. Then second for the non-clinical is divided like it categorized as divided into two category. First is the government, second is the non-government. Government we have army hospital like city hospital, navy hospital, civil हॉस्पिटल, लाइक दीज आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वही लोग आते हैं जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। नॉन गवर्नमेंट ऑब्वियसली प्राइवेट फॉर प्रॉफिट ऑब्वियसली, एंड नॉन प्राइवेट लाइक स्मॉल हॉस्पिटल, मीडियम साइज हॉस्पिटल्स। थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द साइज वी हैव द लार्ज साइज हॉस्पिटल लाइक थाउजेंड, इन जिसमें थाउजेंड से ज़्यादा बेड्स हों, मीडियम साइज जिसमें 500 to 1000 बेड्स हो, स्मॉल हॉस्पिटल जिसमें 100 to 500 हो, वेरी स्मॉल जिसमें लेस देन 100 हो। देन फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट वी हैव द एलाइट हॉस्पिटल एंड बजट। एलाइट में कौन से आते हैं, लाइक फोर्टीज हॉस्पिटल लुधियाना में आपने सुने होगा, सो आई लिव इन लुधियाना, दैट्स वाई आई गिव द एग्जाम्पल ऑफ द लाइक फोर्टीज हॉस्पिटल। सो एलाइट हॉस्पिटल में क्या आते हैं, जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं, यू कैन से लार्ज हॉस्पिटल्स। लाइक बजट हॉस्पिटल्स में स्मॉल हॉस्पिटल लाइक चैरिटेबल हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, ये सारे बजट हॉस्पिटल में आ जाते हैं। फिफ्थ लास्ट इज द सिस्टम ऑफ द मेडिसिन, इसमें क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन एंड यूनानी मेडिसिन, बेसिकली वी यूज दिस एलोपैथिक मेडिसिन, राइट। सो दीज आर ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल्स। सो नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हॉस्पिटल्स। तो और हॉस्पिटल को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस इन विच वेरियस मैनेजरिकल एक्टिविटीज ब्रिंग एंड बाइंड पीपल टूगेदर। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वॉट, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स
बाइंड द पीपल टुगेदर, मीन्स कि कितने सारे लोगों का समूह हम कह सकते हैं, फॉर द अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गोल्स एंड द ऑब्जेक्टिव. ऑब्वियसली जब लोग एक ग्रुप में काम करेंगे, ऑब्वियसली बात है कि वो चीज़ ज़्यादा बेटर होगी. ठीक है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ अ हॉस्पिटल इज़ द गवर्निंग बॉडी. गवर्निंग बॉडी मीन्स विच रेगुलेट ऑल द थिंग्स लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ ट्रस्टर्स, दीज ऑल आर द गवर्निंग बॉडीज. सो गवर्निंग बॉडी इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस एमिनेंट पर्सनैलिटीज इन द फील्ड. मीन्स की गवर्नमेंट बॉडी में कौन कौन से पर्सन हो सकते हैं. फर्स्ट इज द मेडिकल एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, पॉलिटिक्स, राइट, दीज आर ऑल द गवर्निंग बॉडी ऑब्वियसली. देन फंक्शन ऑफ अ गवर्निंग बॉडी इज टू फ्रेम ऑल द मेजर पॉलिसीज, प्लान्स एंड द प्रोग्राम्स ऑफ द हॉस्पिटल्स. गवर्निंग बॉडी का मेन फंक्शन क्या होता है कि हॉस्पिटल्स की जितनी पॉलिसीज हैं, जितने प्लान्स हैं, जितने प्रोग्राम्स हैं, उन सबको मेंटेन करके रखना. ये फंक्शन होता है गवर्निंग बॉडी के, राइट. देन ऑब्वियसली मैं आपको बता चुकी हूँ व्हाट इज़ द गवर्निंग बॉडी. सो गवर्निंग बॉडी अपॉइंट्स अ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर टू गेट वेरियस फंक्शंस परफॉर्म लाइक क्लिनिकल सर्विसेज, नर्सिंग, फार्मेसी सर्विसेज एक्सेप्ट्रा. ठीक है. ये क्या करती है, कितने सारे लोगों को अपॉइंट करती है फंक्शन करने के लिए. जैसे एक को नर्सेस को अपॉइंट करना, फार्मासिस्ट को अपॉइंट करना, और जैसे कितने सारे स्टाफ्स होते हैं अपॉइंट करना टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स. देन सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय द हॉस्पिटल, कौन कौन सी सर्विसेज परफॉर्म्ड करती है हमारी हॉस्पिटल. इट इंक्लूड द नर्सिंग सर्विसेज ऑब्वियसली, जो इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल. ऑब्वियसली आप जानते हैं कि आप जब भी हॉस्पिटल में होते हैं तो नर्सेज 24 आवर्स आपकी हेल्प के लिए रहती हैं. ठीक है. देन नर्सेज असाइन स्पेसिफिक नंबर ऑफ बेड्स, मतलब कि हर एक पर्टिकुलर बेड, जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं एक एक नर्सेज होती हैं, हैव टू गिव पर्सनल अटेंशन. जो पर्सनल अटेंशन देते हैं, अगर उनको कोई तकलीफ होती है, कोई मेडिसिन चाहिए, कोई पानी चाहिए, कोई खाना चाहिए, ऑब्वियसली हर एक पर्टिकुलर पेशेंट को एक नर्स संभालती है. सो नर्सेज आर ट्रेंड फॉर पेरेंटल केयर, ऑब्जर्वेशन, पेशेंट कम्फर्ट ड्यूरिंग लेबर एक्सेप्ट. मीन्स कि कुछ नर्सेज लाइक हम इसे यूज़ कर सकते हैं इन द केस ऑफ प्रेगनेंट वुमेन, राइट, तो उनको 24 आवर्स नर्सेज चाहिए होती हैं. सो नर्सिंग डायरेक्टर इज द इन चार्ज ऑफ नर्सिंग सर्विसेज. सो लाइक एक इनमें से नर्सिंग डायरेक्टर होती है जो सब नर्सेस को गाइड करती है कि उनके क्या फंक्शन है, उन्हें क्या काम करना है. ठीक है. देन आउट पेशेंट सर्विसेज मीन्स जो पेशेंट बाहर से आते हैं. सो मेन फोकस क्या होता है हॉस्पिटल का, फोकस ऑन कंफर्ट फॉर द आउट पेशेंट्स एज द अप्रोच फॉर मेजर एंड माइनर इलनेस. मीन्स कि लाइक सपोज आई एम द आउट पेशेंट, राइट, मैं बाहर से अंदर आई हूँ ताकि मेरे को कोई भी कॉमन कोल्ड, कफ, फीवर है, मैंने अपना चेकअप कराना है डॉक्टर से, राइट. सो दी सर्विसेज मेक अ हॉस्पिटल एंड आइडल कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन. मीन्स कि ये क्या बनाते हैं कि हम बाहर से आए पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं. ठीक है. तो मीन्स कि अच्छे इंप्रेशन पड़ते हैं दैट्स कि ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, राइट. सो हॉस्पिटल इज़ अ ड्यूटी बाउंड टू प्रोवाइड, ऑब्वियसली हॉस्पिटल करता क्या है, मीन इट्स प्रोवाइड डायग्नोस्टिक, मीन्स की कि उस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए, प्रिवेंशन, अगर हमें किसी चीज़ से प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए, एंड क्यूरेटिव मेजर टू द आउट पेशेंट्स, लाइक ऑल जितने भी पॉसिबल मेजर्स होते हैं वो सारे बताए जाते हैं आउट पेशेंट को. देन रेडियोलॉजिकल सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स. सो इट परफॉर्म्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ कॉम्पिटेंट रेडियोलॉजिस्ट. ऑब्वियसली एक हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट भी होता है. कुछ टेस्ट हम विद द हेल्प ऑफ लाइक रेडियो वेव्स के थ्रू ही हम परफॉर्म कर सकते हैं. सो जो इनका मेन हेड होता है चीफ रेडियोलॉजिस्ट असिस्टेड बाय वेरियस टेक्नीशियंस. सो सर्विसेज इंक्लूड यूटिलाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट्स. इसमें हम क्या करते हैं, इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज़ करते हैं रेडियोलॉजी सर्विसेज में, लाइक सोनोग्राफी, लाइक फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन, एक्सरे, ऑब्वियसली यू नो ECG वी डू, CT स्कैन, राइट, दिस ऑल आर द रेडियोलॉजिकल सर्विसेज. देन सेंट्रल सप्लाई सर्विसेज विच आर थ्रू द सेंटर. सो इट रेफर्स टू मेडिकल एंड सर्जिकल सप्लाई. इसमें क्या करते हैं कि जो जिन्होंने सर्जरी परफॉर्म करनी होती है, बाहर से कुछ स्पेशल डॉक्टर्स बुलाते हैं और स्पेशल इक्विपमेंट्स ऑर्डर करने पड़ते हैं हमें. सो इट मेंट फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड एजुकेशन एंड रिसर्च. ऑब्वियसली
ये सब मैं जो आपको पहले बता सकती हूँ डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट प्रिवेंशन के लिए, राइट। सो इन्वॉल्व्स देयर कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, एश्योरेंस अगेंस्ट प्रॉपर इंटेंट फॉर्म। सो इसमें क्या होता है कि उस सारी सर्जिक इक्विपमेंट्स की सप्लाई को मेंटेन करना, उसकी कलेक्शन, उसकी स्टोरेज, सब कुछ इसमें मेंटेन करना होता है, राइट। देन इसमें हमें क्या चाहिए होता है, ऑब्वियसली वी हैव टू परफॉर्म द सर्जरी, राइट। सो इसके लिए हमें एक क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए, वी नीड अ क्वालिफाइड एंड स्किल्ड स्टाफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट मेंटेनेंस। देन हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विसेज, ऑब्वियसली हर एक हॉस्पिटल में फार्मेसी तो होती है, उसमें एक फार्मासिस्ट होता है, लाइक कंट्रोल्स फार्मेसी ऑपरेशन इन एनी हॉस्पिटल सब में होता है। सो इसमें क्या होता है, फिल्स प्रिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ नेसेसिटीज फ्रॉम वार्ड। इसमें क्या होता है, जो भी पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ला के देता है उसका प्रिस्क्रिप्शन नंबर भरना, ठीक है, कौन सा वार्ड है उसका, और उसको उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन डायग्नोज करना। सो फंक्शन बिगेन फ्रॉम ड्रग प्रोक्योरमेंट टू डिस्ट्रीब्यूशन टू आईपी एंड ओपी। आईपी मीन्स इन पेशेंट, मीन्स कि जो ऑलरेडी हॉस्पिटल के अंदर है, ओपी मीन्स आउट पेशेंट, जो ऑलरेडी जो हॉस्पिटल के बाहर से आए होते हैं अंदर। सो हॉस्पिटल फार्मेसी किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रॉपर ड्रग डिलीवरी, प्रॉपर ड्रग देना, इन्फॉर्मेशन सिस्टम, सारी मेडिसिन के बारे में नॉलेज इन दैट दिस मेडिसिन यू हैव टू टेक फॉर वन टाइम टू टाइम एक्सेट्रा, ड्रग स्टोरेज, प्रॉपर ड्रग स्टोर करना, ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी, स्टरलाइजेशन करना उसको कि कौन से प्रोडक्ट्स स्टरलाइज्ड हैं, सारा कुछ मेंटेन करना, एडवाइजिंग पेशेंट ऑन ड्रग यूज, एडवाइजिंग करते हैं पेशेंट को भी कैसे इस ड्रग को यूज़ करना, राइट। सो नेक्स्ट सिक्स इज द मेडिकल रिकॉर्ड सर्विसेज। ऑल मेडिकल रिकॉर्ड्स को डॉक्यूमेंट करना मीन्स उसे अच्छे से मेंटेन करके रखना। सो जो भी वैल्यूएबल मटीरियल्स एज दे हेल्प द मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ फॉर द वैल्यूएशन, लाइक अगर कोई पेशेंट ठीक होकर चला जाता है, ठीक है, ऑब्वियसली चला जाता है, राइट। सो उस पेशेंट को दोबारा वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई तो वो दोबारा आते हैं, हम फिर उसका कार्ड सारा कुछ चेकअप वगैरह करते हैं, रिकॉर्ड्स कि इसको पहले क्या प्रॉब्लम थी, इसकी क्या मेडिसिन चल रही थी, राइट। सो ये सारा मेंटेन करके रखना पड़ता है। सो ऑल्सो यूज्ड फॉर द एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, लाइक जो हॉस्पिटल में कुछ नर्सेज होते हैं, फार्मासिस्ट और कुछ कोई भी डॉक्टर्स जो वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं, वो उनकी केस स्टडी करते हैं कि इस पर्सन को ये प्रॉब्लम थी और ये इसे प्रिवेंशन दिया जा रहा था, ये थेरेपी दी जा रही थी, ये मेडिसिन दी जा रही थी, राइट। सो उस मेडिकल रिकॉर्ड्स में क्या क्या हमें मेंटेन करके रखना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द पेशेंट हिस्ट्री, राइट, पेशेंट का नाम, वेदर ही और शी मीन्स की क्या उसका जेंडर क्या है, एज, उसके प्रॉब्लम क्या थी, उससे क्या डायग्नोस किया जा रहा था, थेरेपी, राइट। सो लाइक लैब टेस्ट रिपोर्ट्स, उसके क्या क्या टेस्ट किए गए हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन डिटेल्स, उसकी फिजिकल लाइक क्या क्या एग्जामिनेशन की गई है, फिजिशियन एडवाइस, फिजिशियन ने उसे क्या एडवाइस दी थी, ये सब चीज़ें मेडिकल रिकॉर्ड सर्विसेज में होती हैं। सो इट इज़ मैंडेटरी टू स्टोर ऑल द मेडिकल रिकॉर्ड्स प्रॉपरली टू फैसिलिटेट ईजी एक्सेस ऑन द रिक्वायरमेंट, लाइक तो ये सब मेंटेन करके रखनी पड़ती है ताकि अगर कोई पेशेंट आ जाए तो हमें पता हो कि हमने इस जगह पर रिपोर्ट सारी रखी है, तो वो इजी होता है कैरी करना और ढूंढने में भी इजी होता है। नेक्स्ट इज द स्टोर सर्विसेज, लाइक स्टोर में कुछ इक्विपमेंट्स और मेडिसिन वगैरह स्टोर करके रखना। सो रिसीव, स्टोर एंड इशू मटीरियल्स अगेंस्ट रिक्विजिशन फॉर्म्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड वार्ड्स। हॉस्पिटल इट का ऑब्वियसली इसमें क्या होता है, मेडिकल स्टोर होता है, ऑल वो नो स्टोर फॉर जनरल आइटम्स, सर्जिकल स्टोर्स एक्सेट्रा। सो इन इसमें हम एक बफर स्टॉक भी मेंटेन करके रखते हैं, मेंटेन अ बफर स्टॉक फॉर सर्टेन मटेरियल्स इंक्लूडिंग लाइफ सेव। बफर स्टॉक मीन्स की स्टॉक ऑफ द मेडिसिन, राइट, एमरजेंसी स्टॉक भी कह सकते हैं, इसमें एमरजेंसी मेडिसिन रखी होती है। देन मिसलेनियस सर्विसेज, सो मिसलेनियस लाइक अदर सर्विसेज इन इसमें डाइटरी सर्विसेज हो गया, डाइटिशियन, एम्बुलेंस सर्विसेज, लॉन्ड्री सर्विसेज, कपड़े होने, ट्रांसपोर्ट हो गया, एम्बुलेंस, मोर्टुअरी सर्विसेज लाइक जिन पेशेंट की डेथ हो जाती है उसमें मोर्ट में रखे जाते हैं, लाइब्रेरी सर्विसेज, बुक्स होती हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट द हॉस्पिटल एंड इट्स organization, right? So students, if you really like my video, please don't forget to subscribe my channel. अगर आप
बताइए आपको मेरी मतलब पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइए ताकि मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ। थैंक यू।